नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जोधपुरी मिर्ची वड़ा बनाएंगे। मिर्ची वड़ा एक मसालेदार इंडियन स्नैक्स है जिसमें हरी मिर्च में आलू के विभिन्न मसालों की स्टफिंग की जाती है। जोधपुर राजस्थान का मिर्ची वड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि उस क्षेत्र का पानी इसे एक अनोखा स्वाद देता है। चलिए अब हम बनाते हैं जोधपुरी मिर्ची वड़ा। जोधपुरी मिर्ची बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कप बेसन लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलेंगे। हमें पकौड़े के घोल की तरह तैयार करना है। देखिए इस कंसिस्टेंसी का हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक हम अपनी हरी मिर्चों को तैयार करेंगे। ये हमने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब इसको हम काटेंगे। मिर्चों में हम चाकू की सहायता से ऊपर से लेके नीचे तक कट लगाएंगे। बस ऊपर साइड में कट लगाना है, नीचे हमें नहीं काटनी है। ये इस तरह से नीचे से मिर्च जुड़ी रहे। इस तरह से हम सारी मिर्चों को काट लेंगे। हमने सारी मिर्चों को काट लिया है, देखिए इस तरह से। और इसके अंदर के बीजों को आप हटा सकते हैं यदि ज्यादा तीखा नहीं खाना है। हम इन बीजों को नहीं हटा रहे हैं। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने बॉयल 5 आलू लिए हैं। इनको हाथों की सहायता से हम फोड़ लेंगे और फिर इन आलू को हम फ्राई करेंगे। हमने सारे आलुओं को फोड़ लिया है। हमने ये छोटे आलू लिए थे 5। यदि आप मीडियम साइज के आलू लें तो 4 ही आलू लें। चलिए अब हम आलू को फ्राई करते हैं। आलू को फ्राई करने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो रहा है। हाँ, हमारा घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग से बेसन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी आता है। 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे, जीरा हमारा भुन जाए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया डालेंगे। अब इनको हम भूनेंगे। मसाले हमारे भुन गए। अब इसमें हम आलूओं को डाल देंगे। इसमें नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। मसाले आलू में मिक्स हो गए। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इनको मिलाएंगे। हमारी स्टफिंग अब तैयार है। इसको हम कढ़ाई से उतार देंगे। बेसन भी हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। और हमने मिर्ची बड़ा को तलने के लिए तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम मिर्चों में स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हम ये मिर्च लेंगे। मिर्च को हम इस तरह से खोलेंगे और इसमें हम स्टफिंग करेंगे। अच्छे से हम पूरी मिर्च को भरेंगे। इस तरह से हमने अच्छी तरह पूरी मिर्च को भर लिया है। बाकी बची हुई मिर्चों को भी हम भर लेंगे। हमारा गरम हो गया है। अब हम मिर्चों को बेसन में इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से जो थोड़ा एक्स्ट्रा बेसन है इस तरह से निकल जाने दीजिए। फिर हम तेल में डालेंगे। इस तरह से हम
सारी मिर्चों को डालेंगे। अब हम मिर्चों को सेकेंगे, जब हमारी थोड़ी नीचे सेक जाएंगी तब हम इनको पलटेंगे। हमारी मिर्चें देखिए सेक गई हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को सेक लेंगे। जोधपुरी मिर्ची बड़ा बनके तैयार है। आप इसे स्नैक्स में बना सकते हैं, जब आपका कोई गेस्ट आए या कोई पार्टी हो तब आप इन्हें बना सकते हैं। जोधपुरी मिर्ची बड़े को हरे धनिया की चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हरे धनिया की चटनी और मीठी चटनी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।